आई डोंट नो हु इट इज गोइंग टू बी, लेकिन आई रियली होप कि हैदराबाद टीम में बनती दिखे। बट चलिए बहुत अब जिंकी क्यों हंस रही है भाई कि सीधा सीधा मिटा के चलेंगे। सो गाइस आई गेस इट इज टाइम टू रिवील द चैंपियंस। चलते हैं सीधा हमारे चैंपियंस के पास, चर्चाएं उनसे करेंगे जरूर। जो चैंपियंस है कौन? इट इज गोइंग टू बी हैदराबाद। व्हाट इज अ भाई, हर एक साइड सबसे बड़ी चीज आपको बताई। आई वाज रियली रूटिंग फॉर की टीम हैदराबाद जीते और दिस इज एक्चुअली अ बिग विक्ट्री फॉर टीम हैदराबाद। कैसा सरदार जी यार, पहली बार इस लेवल पे सपोर्ट तो करता है हैदराबाद को, कुछ भी बोलो सरदार जी, ओपी करता है। एक जगह मैं और स्पर्श गए थे, सुनने दो, 100% देना हो गया वही आया और देखिए कहते हैं ना कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो, फल की चिंता बिना किए भाई ने काम किया, पूरी स्क्वाड ने काम किया। बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस कि देखिए अभी तक तो चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, आप जीत चुके हैं और वो जो एक बात होती है कि विनिंग स्ट्रीक आई कुछ वो विनिंग स्ट्रीक दिखाई दी, क्या अब हम हैदराबाद से एक्सपेक्ट करें कि फाइनल्स के अंदर पॉइंट्स पर रीसेट होंगे, सब कुछ जीरो होगा ऐसा, क्या वहाँ भी आज तक बना सकती है? बिल्कुल, हम तो पूरा ट्राई कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल आएंगे सब के लिए। स्पर्श स्पर्श एक और सवाल रहेगा, देखिए लास्ट गेम जब चल रहा था आपने शायद फिनिश स्पीड में देखा होगा आईक्यू स्कूल के फ्रैग्स एक के बाद एक बढ़ने में लगे पड़े हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन मनी मन चलता रहता है आपके बीच में या फिर क्या? क्योंकि उस वक्त पे हम आपकी फाइट उसकी वो भी नहीं देख पाए थे, फ्रैग्स आपके ही बढ़ रहे थे, बट आपको भी डर सता रहा होगा कि 10 फ्रैग का जाता, मुझे लग रहा है कि 10 से 12 पॉइंट का अंतर। पंजाबी है ना, लो देख लो उस समय पर क्या था कि मतलब फिनिश स्पीड में एक बार क्योंकि आपके बीच में फाइट भी हुई थी ना। अरे ओ झिंगी मैं भूल गया, ऑनलाइन कुछ मतलब चल नहीं रहा था, बट वही लग रहा था कि यार 16 और पॉइंट्स निकाल रही है तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, बट मेन फोकस वही था कि हम चिकन लेंगे तो हमारा हो जाएगा। या हायर पर्पस की तरफ जाने की कोशिश थी और चिकन की तरफ थी, लेकिन अब देखिए एक सवाल मैं ऐसा पूछूंगा जो शायद थोड़ा फैंस के मुझको ट्रिगर करेगा। हैदरा एक बहुत बड़ा नाम है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कंधों पे जब भी आप एसी स्क्वाड के साथ जुड़ते हैं, हाल फिलहाल में टीम में कुछ चेंजेस हुए हैं, सच बताएगा क्या डीप डाउन कहीं वो? अरे यार चेंजेस का भी पूछा गया, हमें बैकफायर ना करते देखे क्या, वो जो हमारे फैंस है वो हमसे नाखुश ना हो जाएं, वो एक डर था क्या उस टाइम पे जब ये चेंजेस हुए थे? भाई मेरा नाम ना फंसा दे के ऋषभ ने किया, सबको हैप्पी रखना है अगर आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो, बट और बेटर चेंजेस करना पड़ता है, जरूरी है ये भी। चलिए और हम चाहते हैं जरूर कि ये जो चेंजेस हैं इसमें और भी ज्यादा सॉलिड अभी देखने को मिले, मतलब और भी स्ट्रॉन्ग आउट आप करते नजर आए। बट बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू कुछ मैसेज जो इतने सारे ड्रैगन स्पैम हो रहे थे उन ड्रैगन स्पैम करने वाले उन फैंस के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? चल ए लाइटर गाइस कीप सपोर्टिंग साला, ये तो वही बोल रहा है। सो मच थैंक यू सो मच फॉर जुड़ने के लिए एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट कि ऐसे बढ़िया परफॉर्म करिए और क्या पता फाइनल्स में भी आपसे बातें चीते होते रहे, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू, हैप्पी होली एज वेल, हां हैप्पी होली, बट कांग्रेचुलेशंस टू हिम एंड द होल हाइडर स्क्वाड एंड जितने भी फैंस हैं भाई काफी कमाल किया, लेकिन